चर्चा गुरांदी मेरे चर्चा गुरांदी यार ये बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट और क्यों हो सकती लते जादू दे मेरे सतगुरु आए ने जय माता दी जय गुरु जी। और दादी जी को देख के संगत जी आप समझ ही गए हैं आज मैं कहाँ आई हूँ। तो आज मैं मिलने आई हूँ प्यारे गुरु जी महाराज जी से, क्योंकि रोज़ इनकी बहुत सारी पिक्चर्स शेयर हो रही थी मेरे व्हाट्सएप पे। तो गुरु जी के सब रूप पे कभी कुछ लिखा जा रहा है, कभी जो ये प्रसाद चढ़ाते हैं ये जो फैमिली वाले हैं रिया, सारा गुरु जी प्रसाद खाते हैं, वाइट्स टुकड़े किए होते हैं प्रसाद के। तो कितना अच्छा लगता है संगत जी, कितना मैं कहती हूँ खुशी मिलती है कि गुरु जी ने प्रसाद को एक्सेप्ट किया है। और आज मैं यहाँ आई हूँ तो रिया ने मुझे कल ये मुझे फ़ोटो भेजी थी, इस पर ये देखिए सब रूप पे कुछ लिखा हुआ है RINW, मैं थोड़ा क्लोज करके भी दिखाती हूँ। और यहाँ लिखा हुआ है DR, तो ये अपने आप लिखा जाता है अपने आप। तो ये RINW का क्या मतलब हुआ रिया, समझ नहीं आ रही। तो रिया आज थोड़ी ठीक नहीं है संगत जी, तो इसीलिए वो कैमरे पे नहीं आ रही, तो मैं वैसे इसको पूछ रही हूँ। तो इधर आके तो बता दे, मैं कैमरा नहीं कर रही तेरी तरफ क्योंकि तेरी हेल्थ नहीं है ठीक। RINW का क्या मतलब हुआ ये जो गुरु जी ने लिखा हुआ? मतलब है कि रिया इज नॉट वेल, क्योंकि मेरी काफ़ी दिनों से तो हेल्थ ठीक नहीं थी तो हमें समझ नहीं आता। तो फिर गुरु जी ने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि रिया ठीक नहीं है। तो फिर हम अपने डिसाइड किया कि इसके टेस्ट करवाते हैं। सुबह मैं स्कूल जाने लगी तो फिर यहाँ गुरु जी ने लिख दिया डॉक्टर, कि इसको डॉक्टर के दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। हाँ ये लिखा हुआ संगत जी डॉक्टर DR, और ये चंदन से लिखा गया है। हाँ। तो आपको ये कैसे समझ आया कि RINW का मतलब यही है कि रिया इज नॉट वेल? क्योंकि उस टाइम मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, हम बाहर यही डिस्कस कर रहे थे कि रिया ठीक नहीं है। तो वो थॉट आपके अंदर आया कि रिया, आर फॉर रिया, आई फॉर इज, एंड फॉर नॉट, डब्ल्यू फॉर वेल। तो रिया इज नॉट वेल। तो संगत जी रिया की तरफ मैं कैमरा नहीं कर रही क्योंकि वो कैमरा फेस नहीं कर सकती, हेल्थ इशू है। तो बीमार हो गई है वो, और गुरुजी ने उससे पहले ही ये सब रूप पे लिख दिया था रिया इज़ नॉट वेल, और उसके बाद लिख दिया डॉक्टर DR। तो ये सब आस्था की बातें हैं, विश्वास की बातें हैं। जो गुरुजी महाराज लंगर प्रसाद खा सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, उनका लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं, तो वो सब कुछ ये लिख भी सकते हैं। ये चंदन से लिखा गया है। और गुरुजी महाराज हमेशा से संगत जी कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे। तो मैं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रिया को कि जिसको जिसके लिए डॉक्टर ज़रूरी है, तो इसलिए गुरुजी ने यहाँ डॉक्टर लिख दिया। तो मैं प्यारे गुरुजी महाराज जी के दर्शन आपको फिर से कराती हूँ कैमरा बैक करके। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो रिया आपका मग फिर से इधर आ गया है? हाँ जी, यही ना एक्चुअली आदम हमद रहे, मग ही नीचे चरणों से ऊपर था। अच्छा। और फिर उधर RINW लिखा था, तो फिर हमें कुछ ज्यादा ही, फिर हम एक पूरे वो हो गए ना एकदम से करेक्ट की हाँ इसका मतलब यही हो सकता है RINW। और इसके अंदर भी जल वर्षा हो रखी है ना? हाँ जी, इसके अंदर जल वर्षा आई हुई है और ये गीला है। तो ये नीचे वाले रूम जो रिया का है, जहाँ गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं, तो ऊपर भी इन्होंने एक रूम बनाया हुआ है। तो ये नीचे वाला रूम है संगत जी, यहाँ पे गुरुजी महाराज ने लिख लिया है RINW। और बहुत दिनों से मैं आपको ये दर्शन शेयर नहीं कर सकी, तो इसीलिए मैं फिर आज आई हूँ और गुरुजी महाराज का शुक्राना भी करने आई हूँ। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, जो आपने मौका दिया मुझे भजन गाने का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं अभी आपको ऊपर लेके जाती हूँ, ऊपर का नज़ारा दिखाती हूँ। जय गुरु जी। तो संगत जी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक रही हूँ। तो रिया ये क्या है, PD, ये 5 है कि ओम है? ये 5 भी है और ओम भी है। तो ये क्या सिस्टम है भाई, ये क्या सीन है, ये नहीं समझ आ रहा। PD 5 हम क्योंकि बड़े दिन से मेरे को 5 तो दिख ही रहा था, और PV कोई 10 डेज से दिखना शुरू हो गया। अच्छा। तो गुरु जी बोला गुरु जी एक्सप्लेन करो क्या मतलब है। तो स्वरूप पे लिखा गया PD 5। कौन सा स्वरूप पे? जो यही है, यही वाले सब रूप पे जहाँ पे RINW डॉक्टर लिखा हुआ है, वो फिर हमने रिमूव कर दी क्योंकि जल वर्षा भी हुई थी। तो अच्छा, होने शुरू हो गया।
अच्छा अच्छा उसके बाद हमने बोला गुरु जी पंजाब डुगरी हम समझ गए, लेकिन फाइव का क्या है, फाइव का तो हम आ नहीं सकते क्योंकि सिक्स को है भर्ती हाँ। और डुगरी भी सिक्स को खुल रहा है, तो हमें एक्सप्लेन करो। फिर हमने पेपर रखा और पेन रखा, उसमें भी गुरुजी ने 5 और 2.00 किए। तो ये गुरुजी की राइटिंग है? हाँ जी, ये गुरुजी ने खुद लिखा हुआ है। हाँ, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो कितने ब्लेस है संगत जी हम कि गुरुजी की राइटिंग हम देख पा रहे हैं। संगत जी ये देखिए, तो ये दर्शन जो हैं आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, ये रिया के घर के हैं। और बहुत सारे मैं कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ, लोग बहुत ही मैं कहती हूँ चीप सी बातें कर रहे हैं, इतनी चीप चीप बातें कर रहे हैं और ईश्वर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बड़े दिनों से जो वीडियो वायरल हो रही है फिर से मैंने देखा है किसी और ने भी डाली है, तो इन लोगों को शर्म नहीं है, इन लोगों को पहचान ही नहीं हो रही अपने ईश्वर की, अपने गुरुजी महाराज जी की। और जो गुरुजी महाराज ऐसे चमत्कार कर रहे हैं ना संगत जी, तो जो उनके साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप सोचिएगा उनके साथ क्या होगा। मैं तो कहती हूँ गुरुजी अकल बुद्धि दो उनको, उनका भी आपसे कनेक्शन बने। तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता संगत जी, क्योंकि हमने बहुत सारे चमत्कार इन खुली आंखों से गुरुजी महाराज जी के देखे हैं। तो मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और यहाँ पर चल रहा है मंत्र जाप, और ये रेगुलर मंत्र जाप यहाँ चलता रहता है संगत जी। तो ये वही स्वरूप है जिसमें से बहुत सारा घी निकला था, और स्वरूप हल्का हल्का सा खराब भी हो गया है ना, इसमें स्क्रैचेस आ गए हैं बहुत सारे, क्योंकि वो मॉइस्चर सोचते हैं कि हम फ्रेम करवाए तो वैसे ही कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। अच्छा, जब भी आप सोचते हो कि फ्रेम कराएं हाँ। तो गुरुजी महाराज के बड़े ही अद्भुत, बड़े ही प्यारे दर्शन, और इनके घर की तो कहानी ही निराली है संगत जी। गुरुजी क्या क्या करिश्मे कर रहे हैं, हर रोज प्रसाद का सेवन करते हैं, और जोत के भी बड़े ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं संगत जी। ये देखिए, जय गुरु जी। तो जहाँ गुरु जी हैं वहाँ रौनके हैं, मैं कहती हूँ रौनके बहारे हैं, और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग दूर दूर से संगत जी देखने को मिल रही हैं, सुनाई दे रही हैं। कितनी मैं वीडियोस देखती हूँ आजकल वायरल हो रही हैं गुरुजी के करिश्मों की वीडियोस। एक संगत के घर तो मैंने देखा है कल, ऊपर से वो अमृत वर्षा गिर, शहद वर्षा, सॉरी, ऊपर दीवार से इस तरह का पैनल है, वहाँ से शहद वर्षा गिर रही है। तो गुरु जी के करिश्मे हैं भाई क्या। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज सब पे अपनी कृपा बरसाओ, जो मूर्ख अज्ञानी है गुरु जी महाराज उनको भी अपनी चरणों में लगाओ, अपनी शरणी में लगाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी बड़े ही प्यारे प्यारे दर्शन है, और इन्होंने गुरु जी के लिए अलग से ये बेड लगाया हुआ है, और ये टॉवल रखा हुआ है, और इसकी भी एक कहानी है। तो रिया सुनाना, सॉरी, ये चप्पल भी रखी हुई है अभी आपने कि गुरु जी अगर रूम में घूमेंगे, वॉशरूम वगैरह यूज भी करते हैं, करते तो हैं हाँ, मतलब कि रात को दरवाजा ऐसे हम कर्टन करके जाएंगे, देखो कर्टन है ना, देखो कर्टन ऐसे होते हैं, हम आते मतलब कि एक बार हुआ कर्टन पूरा यहाँ पे था, पिछली तो इस रूम में कोई और नहीं आता, नहीं इस रूम में वही पापा वगैरह हम आते हैं पूजा करने, फिर चले जाते हैं, हम इधर हाथ भी नहीं लगाते कि गुरु जी। तो ये कर्टन पूरा कवर होता है और फिर अपने आप ऐसे हो जाता है, ऐसे पूरा इधर था एक दिन। अच्छा, पूरा लास्ट तक था हाँ। तो संगत जी ये कर्टन पूरा इस तरह से इन्होंने कवर किया होता है, ये पूरा रैप यहाँ से पूरा बंद किया होता है, और अपने आप रोज रात को ऐसे हो जाता है ऐसे। और गुरु जी की चप्पल हिली होती है हाँ, चप्पल यहाँ पे होती है, एक जूती वहाँ से, समझो कि गुरु जी आए जूती पहन के वॉशरूम गए, फिर आए चप्पल अपनी यहाँ पे खोली हुई थी, और जूती वहाँ से इस साइड जा रहे थे, उधर की तरफ जा रहे थे। और संगत जी सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा होता है। मानो तो सब सही है, ना मानो, जिसने नहीं मानना है तो प्लीज़ वो उल्टा सीधा कुछ कमेंट भी करके पाप का भागीदारी ना बने। भाई हमें तो बहुत विश्वास है अपने ईश्वर पे, अपने दाता पर, क्योंकि इन्होंने हमारी ज़िंदगियों को बदला है संगत जी। इन्होंने हमें सब्र दिया है, इन्होंने हमें पेशेंस दिया है जो शायद ही हम में कभी थी। तो हम हर एक उस बात पे यकीन करते हैं जो भी संगत हमें सुनाती है। तो गुरु जी महाराज के करिश्मे, और इन्होंने ये टॉवल भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो टॉवल हिला होता है टॉवल हाँ, एक बार तब चप्पल हुई थी, टॉवल पूरा ऐसे था और हल्का हल्का सा गीला था साइड से। अच्छा जी, जय गुरु जी। तो गुरु जी के करिश्मे, वो कर्टन कर लो कवर आप फिर से ना, मैंने ओपन कर दिया। तो गुरु जी महाराज के करिश्मे संगत जी ये। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे दाता। दादी आप कितने खुश हो भजन के लिए, अच्छा गाया मैंने, बहुत अच्छा गाया।
बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया, अच्छा गाया, मेरे मन को लगा अच्छा, आपके मन को अच्छा लगा है, अच्छा, आपने डांस भी किया है, डांस भी किया, आशीर्वाद भी दो फिर, गुरुजी आगे बढ़ाओ उसको, अच्छा गुरुजी आगे बढ़ाओ इसको, ठीक है, सच्चाई के रास्ते पे ही चले, ऊंचाई पर रखो, फिर मैं डांस ही करूँगी, फिर डांस ही करेंगी जब दूसरा भजन बनेगा, दूसरा भजन है ना, एक मिनट लगाओ भजन, मैं और दादी डांस करेंगे, यही खुशियां मेरे को, बस सब कुछ नहीं है, भी डांस करना मैंने रखा, बहुत बहुत आंटी जी बहुत, जब गुरु जी का जन्मदिन था तब भी मैं नाची थी, तब भी नाचे थे आप, वो तो दिन ही इतना खुशी का था, लेटे लेटे आई भी नाच, देखो रौनक लगी कर कर बीच, देखो रौनक लगी, दुख तकली पा गईया दूर गिनसे, दुख तकली पा गईया दूर गिनसे, देवी देवते भी फुल बरसांद के खुशियां मनांद, ओ टेबल ही टूट जाए बिच, दादी खुश है, बस दादी खुशी खुशी जाना भगवान के पास, खुशी खुशी, अभी नहीं जाना, नहीं अभी 5-6 भजन और बनाने हैं हमने, हाँ जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी ने तो चटनी बना दी समोसे की, तो संगत जी अभी अभी जस्ट गुरु जी को ये प्रसाद लगाया है, भोग प्रसाद, तो अभी भोग प्रसाद की मैं बातें कर रही थी कि ये फोटो भेजते हैं, तो देखो अब लाइव देख रहे हो, संगत देख लेगी अभी, तो देखिए गुरुजी ने समोसे का कचूमर ही बना दिया, जय गुरुजी, जय गुरुजी, चटनी भी ली है, चटनी का ओम बनाया हुआ है, देखना ये देखो, ये देखो इधर देखो, पूरा ओम बनाया हुआ है, मेरा समोसे प्रसाद पे भी ओम था, ये देखो, जय गुरुजी, ब्लेस हो गया भाई प्रसाद, ये दे दो भाई सभी को दो, जय गुरु जी, जय गुरु जी, देखो कुछ निकलाया आपको।